I hope you all are fit and fine. I guess that your short vacation following exams was peaceful and regenerating i want to congratulate to all of you for the progress i cheer for those who have kept ranks and also for those who have improved their grades if you have not improved your performance then this is the time to retrospect and buckle up it is never too late to start moving upwards Today is the most auspicious time to start your learning more seriously than ever. Dear students, We know that due to corona pandemic, the whole country has locked down itself. The country is struggling with schools, teachers and lack of education. Amid this situation, we have one and only option, online classes you must take advantage of this opportunity i started this youtube channel last year and i'm going to continue this year till the situation get normal this will help us to cover the syllabus i wish that you'll be doing your job with the honesty and with a lot of sincerity with this, I wish you good luck and a very successful year. Today we are going to start the first chapter of first flight book of class 10th. This is chapter 1. The name of chapter is A Letter to God written by G.L. In this part of video, I am going to explain the line by line explanation in Hindi and in English. So, before Going through the explanation, let's know about the story, the theme of the story, and the message of this story. The story, A Letter to God, is about a very simple and innocent farmer, Lencho, who has infinite and unshakeable faith in God. Jo present story, hai, A Letter to God. ये बहुत ही सिंपल एक इनोसेंट फॉर्मर की स्टोरी है जिसका नाम लंचो है जिसका जिसको भगवान के प्रति जो है इनफाइनाइट और अनसेकेबल फेथ है जिसकी जिसका दृढ़ विश्वास है भगवान में द फेलर ऑफ रेन वरीज लेंचो अबाउट हिज क्रॉप रेन इतनी ज़्यादा होती है कि उससे उसकी फसल जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है बट ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम लेकिन फिर भी वो गॉड में बिलीव करता है दैट हीज फैमिली इज़ नॉट गोइंग टू स्टार्व दैट इज फैमिली विल नॉट गो हंग्री वो उसकी उसका परिवार जो है भूखों नहीं मरेगा उसको भगवान के ऊपर विश्वास रहता है एंड हीमसेल्फ सेज दैट गॉड आइज वॉच इज एवरी थिंग भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं एंड हीज फैमिली इज नॉट गोइंग टू स्टार्व द थीम ऑफ दिस स्टोरी इज फेथ इन द जेनरॉसिटी ऑफ गॉड इज द थीम ऑफ दिस स्टोरी जब हम किसी के विश्वास के प्रति उसमें उदारता दिखाते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी होती है कि किसी की फेथ के लिए उदारता दिखाना जैसे लंचों की फेथ जो है भगवान के प्रति थी भगवान में उसकी आस्था थी उसके भगवान को भगवान के लिए विश्वास था तो उसकी इस फेथ को टूटने ना देने के लिए पोस्टमास्टर ने उसकी हेल्प की तो ये जो एक इसमें दिखाया गया कि जो ह्यूमेनिटी जनरॉसिटी जो दिखाई गई दिस इज द थीम ऑफ दिस स्टोरी काइंड एंड जनरस पीपल आर द मैसेंजर ऑफ गॉड जो काइंड और जनरस पीपल होते हैं वो मैसेंजर ऑफ गॉड होते हैं सच पीपल ट्राई टू कीप दियर फेथ इन टैक्ट बाई हेल्पिंग द बिलीवर्स और ऐसे जो लोग होते हैं वो हमेशा उनकी कोशिश ये होती है कि जैसे लोग किसी के प्रति चाहे वो एक व्यक्ति पर्सन टू पर्सन किसी के लिए जो बिलीव रखता है गॉड के लिए जो बिलीफ रखता है ऐसे लोग उसकी इस बिलीव को जो है उसकी इस बिलीफ को उसके इस विश्वास को बनाए रखने का काम करते हैं एंड दे आर द रियल मैसेंजर ऑफ द गॉड द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी इज दैट फेथ कैन मूव माउंटेन्स ये इस स्टोरी का मैसेज है कि अगर हमारा किसी चीज के लिए अगर दृढ़ विश्वास है तो वो एक रॉक एक अनमूवेबल जो इमूवेबल है ऐसे रॉक्स को भी मूव करा सकता है अगर हमारी विश्वास हमारी आस्था अगर दृढ़ है तो लाइफ इज नॉट सो इजी एंड वी हैव टू फेस मेनी अपहीवल्स इन लाइफ जीवन जो है इतना आसान नहीं होता और हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है एज लेंचो डिड इन द स्टोरी जैसे कि लेंचो ने भी सामना किया वी शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड होपफुल इवन इन द वर्स्ट सिचुएशन ऑफ लाइफ और इसके प्रति हमें हमेशा जो है पॉजिटिव रहना चाहिए सकारात्मक विचार रखने चाहिए एंड वी शुड बी ऑलवेज होपफुल और हमें हमेशा आशावादी होना चाहिए इवन इन वर्स्ट सिचुएशन ऑफ लाइफ चाहे हमारी स्थिति कितनी भी खराब हो उसमें भी हमें हमेशा होपफुल और पॉजिटिव ही रहना चाहिए दिस इज द मैसेज गिवन थ्रू दिस स्टोरी रीड द स्टोरी बिफोर यू रीड दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स बट वॉट शुड वी पुट अवर फेथ इन बहुत सारे लोग कहते हैं कि फेथ जो है वो माउंटेन को भी मूव कर सकता है एक अडिग जो स्थिर रहने वाला माउंटेन है उसको भी फेथ मूव करा सकती है बट वॉट शुड वी पुट अवर फेथ इन लेकिन हम विश्वास किस में करें दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलीकेटली पॉजेज और यही एक क्वेश्चन है यही एक प्रश्न है जो इस स्टोरी में बहुत ही डेलीकेटली पॉजिज मतलब वो डेलिकेटली उसको निहित है इसमें बहुत ही नाजुकता के साथ में इस स्टोरी में उसे लिखा गया है कि हमें किस पर विश्वास करना चाहिए लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड लेंचो एक किसान है जो कि वो एक पत्र लिखता है गॉड को वेन हीज क्रॉप्स वो आर विंड जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है आस्किंग फॉर अ हंड्रेड पीसोज और वो हंड्रेड पीसोज गॉड से हेल्प के लिए कहता है डज लेंचोज लेटर रीच गॉड क्या लंचो का लेटर जो है गॉड के पास पहुँचता है डज गॉड सेंड हिम द मनी क्या गॉड उसको पैसे भेजते हैं थिंक वॉट योर आंसर टू दीज क्वेश्चन वुड बी एक बार सोचिए कि आपके ये जो क्वेश्चन हैं इसके क्या आंसर हो सकते हैं एंड गेस हाउ दिस स्टोरी कॉन्टिन्यूज़ और गेस करिए कि ये स्टोरी कैसे कम्प्लीट हुई होगी बिफोर यू बिगिन टू रीड इट पढ़ने से पहले एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है वन ऑफ द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी टू समन इज़ थ्रू द पोस्ट ऑफिस हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी इन दिस वे एक बहुत ही सस्ता बहुत ही चीपेस्ट तरीका होता है टू सेंड मनी टू सम वन किसी को जो है पैसे भेजने का इज थ्रू द पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस से किसी को पैसे भेजने का सबसे ये चीपेस्ट मीडियम होता है क्या आपने कभी पोस्ट ऑफिस के थ्रू किसी को मनी सेंड किया है या आपने रिसीव किया है कभी हियर वॉट यू हैव टू डू यहाँ देखिए आपको करना क्या है एज यू रीड द इंस्ट्रक्शन डिस्कस विद योर टीचर इन क्लास द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स काउंटर काउंटर क्लर्क अप्रोप्रिएट एक्नोलेजमेंट काउंटर फाइल रिकॉर्ड कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ नेसेसरी अब यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं पोस्ट ऑफिस रिलेटेड यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है डिस्कस विद योर टीचर आप अपने टीचर से डिस्कस कर सकते हैं इन क्लास क्लास में भी द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स यहाँ पे कुछ इन सारे वर्ड्स की मीनिंग आप जान सकते हैं काउंटर आपको मालूम है काउंटर क्या होगा काउंटर क्लर्क क्या होता है अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट क्या होता है अप्रोप्रिएट मीन्स क्या होता है समथिंग विच इज प्रॉपर एक्नोलेजमेंट काउंटर फाइल रिकॉर्ड ये सारे टर्म्स वंस यू विल गो थ्रू द डिक्शनरी इफ यू वॉन्ट फाउंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स सो यू विल राइट द कामेंट इन द कामेंट सेक्शन आई लेट यू नो ऑल द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स आर दीज वर्ड्स क्रॉसपॉन्डिंग टू दीज इंग्लिश वर्ड्स इन योर लैंग्वेजेस ये सारे वर्ड्स आप क्रॉसपॉन्ड करते हैं बातचीत में कन्वर्जेशन में भी यूज करते हैं इन योर इंग्लिश वर्ड्स इन योर लैंग्वेजेस इन साइड द पोस्ट ऑफिस गो टू काउंटर मार्क्ड मनी ऑर्डर जब आप पोस्ट ऑफिस के अंदर जाएंगे तो वहां पे काउंटर बना होता है और वहां पे नेम लिखा होता है मनी ऑर्डर बाय अ मनी ऑर्डर फॉर्म बाय पेइंग 50 पैसे एंड द चार्ज ऑफ मनी ऑर्डर फॉर्म इज 50 पैसे द पर्सन बिहाइंड द काउंटर जो भी काउंटर पर वहाँ पर बैठा हुआ है उसको आप फिफ्टी पैसे चार्ज करके यू कैन गेट द मनी ऑर्डर स्टूडेंट दिस स्टोरी इज रिटर्न बिफोर सम यस सो डेफिनेटली दिस करेंसी इज नॉट रनिंग दिस टाइम तो मनी ऑर्डर का जो एक चार्ज होगा वो कुछ डिफर uh, कर सकता है फिल इन द अप्रोप्रिएट बॉक्सिस इन द फॉर्म परफेक्टली इन ब्लॉक लेटर्स आपको जो वहाँ पे अभी मनी ऑर्डर फॉर्म आपको यहाँ आगे दिखेगा नेक्स्ट स्क्रीन में तो वहाँ पे ब्लॉक लेटर में आपको सारे जो है जो डिटेल्स हैं उसको फिल करना है पे द काउंटर क्लर्क द अमाउंट ऑफ मनी टू बी सेंट अलॉन्ग विद द चार्जेस एंड वट द अमाउंट यू वॉन्ट टू सेंड टू योर फ्रेंड और टू योर फैमिली यू कैन पे दैट अमाउंट ऑफ मनी टू हिम आप उसको वहाँ पर पे कर सकते हैं एंड टेक बैक द मनी ऑर्डर एक्नोलेजमेंट काउंटर फाइल फॉर योर रिकॉर्ड और उसका जो काउंटर फाइल होता है जिसको आप कह सकते हैं रिसीट रिसिट को आप वहां से लीजिए और उसमें वो मनी ऑर्डर का एक्नॉलेजमेंट होगा फॉर योर ओन रिकॉर्ड अपने रिकॉर्ड के लिए दैट यू हैव सेंट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी टू योर फ्रेंड और फैमिली नेक्स्ट दिस इज द मनी ऑर्डर फॉर्म नाउ फिल आउट द मनी ऑर्डर फॉर्म गिवन बिलो यूजिंग द क्लूज दैट फॉलो द फॉर्म यहाँ पे क्लूज दिए गए ऑलरेडी जैसे पे रुपीज जितना आपको रुपीज पे करना है यू विल फिल दैट अमाउंट ऑफ मनी यू विल राइट द एड्रेस होम यू आर सेंडिंग जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसका आप एड्रेस लिखेंगे उसका पिन कोड लिखेंगे देन यू विल मैंसन द डेट एंड अमाउंट ऑफ रुपीज़ जितना आप सेंड कर रहे हैं फिर वहाँ पोस्ट मास्टर की जो है वहाँ पर स्टैंपिंग होगी और उसकी साइन होगी और फिर रिसीव्ड रुपीज़ ये होगा जिसको आप सेंड कर रहे हैं जब वैन ही विल रिसीव द अमाउंट ऑफ मनी देन ही विल ऑल्सो साइन वहाँ पर वो साइन करेगा फिर लास्ट में यू हैव टू राइट योर एड्रेस एंड योर नेम एंड द अमाउंट ऑफ मनी दैट वुड बी डन इन ऑफिस जो वहां के ऑफिस इंप्लाईज हैं ये दे विल फिल दिस दिस वन डिटेल और आपको सिर्फ लिखना है सेंडर्स नेम एंड एड्रेस नेक्स्ट थिंक अबाउट हु यू विल सेंड द मनी टू एंड हाउ मच आप सोचिए कि आप किस को पैसा भेज रहे हैं और कितना भेज रहे हैं इसके बारे में सोचिए यू माइट वॉन्ट टू सेंड मनी फॉर अ मैगजीन सब्सक्रिप्शन आप पैसा भेज सकते हैं कि कोई अपने मैगजीन सब्सक्रिप्शन के लिए एंड ऑटू अ रिलेटिव और अ फ्रेंड या अपने किसी फ्रेंड को आप सेंड कर सकते हैं और यू मे फिल आउट द फॉर्म विद योर सेल्फ एज सेंडर एंड योर पार्टनर एज रिसीवर अपने मतलब किसी पार्टनर को अपने किसी फ्रेंड को भी आप उसको रिसीवर बना सकते हैं यूज अ पार्ट ऑफ योर पॉकेट मनी एंड सबमिट द फॉर्म एट द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस और अपनी पॉकेट मनी का कुछ भी यूज करके आप एक बार इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कैसे मनी ऑर्डर सेंड किया जाता है और कैसे उसको रिसीव करते हैं नोटिस दैट द फॉर्म हैज़ थ्री पार्ट्स और ये याद रखिए कि जो मनी ऑर्डर फॉर्म है उसके थ्री पार्ट्स हैं पहला तो क्या है द मनी ऑर्डर फॉर्म और द पार्ट ऑफ द ऑफिशियल यूज एंड दॉलेजमेंट विच विल बी फिल्ड बाई यू वट वुड यू राइट इन द स्पेस कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में आप क्या लिखेंगे एक थोड़ा सा कन्वर्जेशन लिखेंगे जिसमें आप आ, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं तो स्पेस फॉर कम्युनिकेशन में आप टू थ्री लाइन का कोई मैसेज भी उसमें मनी ऑर्डर फॉर्म के साथ भेज सकते हैं नो कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन एडिशन टू देंटर द फॉर्म हैज टू बी साइंड बाई द अगर दिस वुड बी योर होम असाइनमेंट एंड आई लेट यू नो द ऑल आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन में आपको कॉमेंट सेक्शन में सारे आंसर बता भी सकता हूँ एंड यू ट्राई टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस स्टोरी द द ओनली वन इन एंटायर वैली सैट ऑन क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड एंड ड्राई पॉन्ड डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट सो क्रेस्ट ऑफ हिल इट मीन्स टॉप ऑफ हिल एंड डॉटेड विद फ्लावर्स इट मीन्स फ्लावर्स इन बिटवीन हार्वेस्ट इट मीन्स क्रॉप सो द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द हिल यहाँ पे क्रेस्ट मीन्स क्या होता है टॉप ऑफ हिल एक छोटी सी जो है लो हाइट की या एक, आ, एक लो हिल थी जिसकी ऊँचाई बहुत ज्यादा नहीं थी तो द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द हिल द हिल वॉज नॉट वेरी हाई और जो हिल थी वो बहुत ऊँची नहीं थी इट वॉज द ओनली हाउस इन दैट एरिया और लंचो का जो घर था दैट वॉज ओनली हाउस इन दैट एरिया फ्रॉम द हाउस वन कुड सी द रीवर एंड द फील्ड ऑफ राइपकॉर्न और उस हाउस से कोई भी जो है नीचे रीवर को देख सकता था और फील्ड ऑफ राइपकॉर्न को देख सकता था द फील्ड हैड फ्लार्स ऑफ कॉर्न ऑल्सो और उस फील्ड में क्या थे कॉर्न फ्लार्स थे एंड दैट वॉज ब्लूम्डअप वहाँ पर वो ब्लूम्ड हुए थे खिले हुए थे एंड इट वॉज एंड इंडिकेशन दैट क्रॉप वॉज गुड दिस टाइम और वे पूरी तरह से एक इंडिकेशन दे रहे थे कि इस बाहर जो है जो क्रॉप होगी जो हार्वेस्ट होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा काफी जो है आ, उस ईयर गुड गुड प्रोडक्शन होने वाला है फील्ड में वो अपने आप ही आ, ये विटनेस कर रहा था द डॉटिंग फ्लार द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डॉन पॉर और एट लीस्ट अ शॉवर थ्रू आउट द मॉर्निंग लंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डॉन पॉवर मींस क्या होता है रेन एंड शावर मीन्स क्या होता है लेस क्वांटिटी ऑफ रेन इंटीमेटली मीन्स क्या होता है कंप्लीटली सो द अर्थ नीडेड ओनली द रेन और एटलीस्ट स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन जिसको हम कह सकते हैं शावर ऑफ रेन फॉर अ गुड क्रॉप एक अच्छी क्रॉप के लिए बस वहां पर शावर ऑफ रेन की नीड थी लेन जो एज अ ओनर ऑफ हिस फील्ड ही न्यू एवरीथिंग अबाउट हिज फील्ड लेंचो जो है वो ओनर था ही उस फील्ड का उसने उसको आ, उसमें टिल्टिंग की है सॉइल की और उसने इरिगेट किया है उसने सीड्स को सो किया है अपने फील्ड में तो ही नो एवरी अबाउट हिज क्रॉप्स तो उसको ये पता था कि बस उसकी फील्ड को बस एक शॉर ऑफ़ रेन की नीड है एंड विद दैट शॉर ऑफ रेन जो क्रॉप होगी दैट विल बी दैट विल बी वेरी गुड सो सिंस मॉर्निंग लेंचो हैड बीन लुकिंग एट द स्काई इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इसलिए वो सुबह से ही नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही वॉज एक्सपेक्टिंग द क्लाउड एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग द रेन कि उसके फील्ड में रेन होगी और उसकी क्रॉप जो है बहुत बढ़िया से हो जाएगी नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वॉटर वुमेन द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग द ओल्डर बॉयज वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू दैम ऑल कम फॉर डिनर सो सपर मीन्स क्या होता है कि डिनर दैट इज द लास्ट मील ऑफ द डे एंड ओल्डर बॉयज मीन्स क्या होता है कि एल्डर बॉयज और स्मॉलर बॉयज इट मीन्स यंगर बॉयज छोटे बच्चे थे घर के वो यंगर बॉयज तो लेंचो टेल्स टू अ वुमेन मे बी दैट माइट बी हर हिज वाइफ वो उसकी पत्नी होगी उसने एक वुमेन से कहा कि दैट नाउ दे विल श्योरली गेट सम रेन्स कि आज जरूर बारिश होगी एंड द वुमेन रिप्लाइड दैट बाई द ग्रेस ऑफ गॉड कि हाँ भगवान की कृपा से शायद बारिश होगी इट वुड श्योरली हैपन जरूर जो है बारिश होगी द वुमेन वॉज प्रपेयरिंग डिनर एंड द एल्डर बॉयज ऑफ द हाउस दे वर वर्किंग इन द फील्ड जो उसके uh, बड़े बच्चे थे वो सब फील्ड में काम कर रहे थे एंड द यंगर बॉयज जो घर के छोटे बच्चे थे देवर प्लेइंग नीयर द हाउस वो घर के आस पास खेल रहे थे द वुमन कॉल्ड दैम फॉर अ डिनर एंड द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग द डिनर सी कॉल्ड एवरी वन टू uh, ईट खाने के लिए उसने सबको बुलाया एंड ऑल ऑफ देम केम टू द हाउस और फिर सारे बच्चे जो है घर में आ गए इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंच हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग द एयर वॉज फ्रेशन स्वीट सो प्रिडिक्टीस क्या होता है कि फोरकास्ट या टेल अबाउट फ्यूचर एंड ह्यूज क्या होता है वेरी बिग अप्रोचिंग क्या होता है कमिंग सो दे वर हैविंग फूड जब वो खाना खा रहे थे तो द बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग तभी जो है बड़ी बड़ी जो है बारिश की बूंदे जो है गिरने लगी एंड दिस वॉज एग्जैक्टली एज प्रिडिक्ट बाई लेंचो और लेंचो ने प्रिडिक्ट पहले से ही किया था कि आज बारिश होगी तो उस तरह से बारिश होने लगी वन could सी लार्ज नंबर्स ऑफ वेरी बिग क्लाउड्स एक जो है कोई भी वहाँ पे आसमान में देख सकता था कि बहुत ही ज्यादा जो है बादल उठ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एंड द एयर वॉज फ्रेश एंड इट्स एंड इट्स स्मेल इट्स अरोमा वॉज वेरी नाइस और जैसे कि आपने देखा होगा कि जब फर्स्ट ट्रेन होती है तो ड्राई पर्च लैंड पे जब फर्स्ट ट्रेन सॉर ऑफ रेन होती है तो उसकी एक अलग ही करोमा जो है स्प्रेड होता है सराउंडिंग में जो कि हमें बहुत ही अच्छा लगता है तो वो जो है फ्रेश एयर uh, जो थी वो ब्लो कर रही थी और uh, जो है जो स्मेल थी सॉयल की वो दैट वाज वेरी नाइस द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न हीज क्लेम्ड दीज आर एंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई दे आर न्यूक्वाइंस द बिग ड्रॉप्स आर टेन सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर फाइव प्लेजर मीन्स क्या होता है कि जॉय और हैप्पीनेस इज क्लेम्ड इट मीन्स क्या होता है स्पोक विद हैप्पीनेस दैट इज कॉल्ड इज क्लेम्ब सेंट इट मीन्स स्मॉल मनी लाइक पैसा इन in इंडिया जैसे कि इंडिया में क्या होता है कि पैसा होता है इन द सेम वे ये सेंट जो है दिस इज द करेंसी ये करेंसी है सो द स्मॉलेस्ट करेंसी लेंचो वेंट आउटसाइड मैन किसके लिए यूज हो रहा है फॉर लेंचो ही वेंट आउटसाइड टू फील जॉय ऑफ रेन फॉलिंग ऑन हिज बॉडी वो बाहर जाता है टू फील द जॉय ऑफ रेन रेन का जो है जॉय लेने के लिए एंड ही रिटर्न एंड स्पोक विद लॉर्ड ऑफ हैप्पीनेस और जब वो वापस आया तो बहुत ही खुशी के साथ में उसने बताया कि ये जो बारिश की बूंदें हैं वो सिर्फ़ बारिश की बूंदे नहीं हैं दे दे आर नॉट द ड्रॉप्स ऑफ वाटर दे आर द न्यू क्वाइंस उसने कहा कि ये जो है बारिश की बूंदे नहीं बल्कि ये नए सिक्के हैं द बिग ड्रॉप्स आर टेन सेंट बारिश की जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो क्या हैं टेन सेंट्स के बराबर हैं एंड द स्मॉल ड्रॉप्स आर फाइव सेंट क्वाइंस और जो छोटी छोटी बूंदे पड़ रही हैं वो फाइव सेंट पीसोस के कॉइन्स के बराबर हैं वाई ही रिजेंबल दीज रेन ड्रॉप्स टू द क्वाइंग ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है सी में तो इसका रीज़न ये है कि उसने जो ड्रॉप्स हैं जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर उसने रेन उसको आ, पीसो से इसलिए उसने सेंट टेन सेंट और फाइव सेंट से इसलिए कंपेयर किया क्योंकि ये बारिश की बूंदें दे आर गोइंग टू ब्रिंग द प्रॉस्पेरिटी इन हीज़ हाउस एंड दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग द गुड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप और क्रॉप का एक बहुत अच्छा प्रोडक्शन जो है देने वाले हैं इसीलिए उसने इन बूंदों को जो है करेंसी uh, से पैसे से उसने कंपेयर किया है क्योंकि ये जब बूंदें होंगी तो घर में बहुत सारा जो है क्रॉप्स होगा बहुत सारे ग्रेन्स आएंगे और वो घर में क्या लाएंगे प्रॉस्पेरिटी तो इसीलिए उसने इन सारे क्वाइंस को जो है क्वाइंस uh, से कंपेयर किया है पीसो से सेंट से जो है कंपेयर किया है विथ अ सेटिसफाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड The field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. Regarded, it means looked, draped means covered, hailstone, it means eyes falling with rain, resemble, it means look is similar, exposing, experiencing, or going outside. तो लेंचो वॉज वेरी मच सेटिस्फाइड टू लुक एट हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न एंड फ्लावर्स जब वो अपने राइप कॉर्न और फ्लावर्स को वो देख रहा था ही वॉज़ वेरी सेटिस्फाइड बहुत खुश था वो बहुत संतुष्ट था कि बिल्कुल राइट right टाइम पे रेन हो रही है और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है क्रॉप्स uh, को जो है हेल्प होगी एक गुड प्रोडक्शन के लिए तो अच्छे प्रोडक्शन में उसको हेल्प मिलेगी एंड वो जो uh, जो रेन थी दिज वर कवर्ड बाई रेन फॉलिंग ऑन द फील्ड और उसका फील्ड जो है द रेन वॉज कवरिंग ऑल ऑल द फील्ड उसके फील्ड को पूरा कवर कर रही थी बट सडनली द स्पीड ऑफ द विंड इंक्रीज और अचानक से जो हवा की स्पीड थी दैट इंक्रीज एंड अलॉन्ग विद द रेन द हेल स्टोन स्टार्ट फॉलिंग और रेन के साथ साथ फिर हेल स्टोन भी गिरना शुरू हो गए हेल स्टोन क्या होते हैं कि दैट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर जब वाटर में क्या हो कि एक वाटर uh, का सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर जो है गिरना शुरू हो जिसको हम लोग कह सकते हैं कि uh, बर्फ एक बर्फ के टुकड़ों की तरह से छोटे छोटे जो है ड्रॉप्स जो होती हैं दैट इज़ कन्वर्टेड इन आइस वो आइस में फ्रोजन होती हैं तो जो फ्रोजन आइस की ड्रॉप्स हैं वो जो है गिरना शुरू हो जाती हैं एंड दीज वर ऑफ वाइट कलर वो सारी जो है वाइट कलर की होती हैं एंड देवर शाइनिंग लाइक न्यू सिल्वर क्वाइंस और वो बूंदे जो हैं इस तरह से चमक रही थी जब वो बर्फ गिरने लगी तो वो इस तरह से चमक रही थी जैसे न्यू सिल्वर क्वाइंस द बॉयज वेंट आउटसाइड जो घर में बच्चे थे वो क्या हुए बाहर निकल पड़े टू कलेक्ट देल स्टोन्स जो हेल स्टोन था उसको कलेक्ट करने के लिए बिकॉज द हेल स्टोन्स वर लुकिंग लाइक अ पर्ल क्योंकि जो हेल स्टोन था वो पर्ल की तरह से दिखाई दे रहा था बैड नाउ इज क्लेम्ड द मैन आई होप इट पास क्विकली इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आर द हेल रेंड ऑन द हाउस The garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley, the field was white as if covered with salt. Claimed it means he spoke with sadness. Passes, it means he stops or goes away. Lencho spoke with sadness that the rain with hill hailstone is bad for the crop. That's why he said that it is really getting bad now. So, what was really getting bad now? Because Lencho had expected only a down par, only a shower of rain, but when large hailstones began to fall with the rain and continued to fall for a long time, then Lencho exclaimed with sadness that it was really getting bad then. I hope it passes quickly and he wished that it stopped very soon. It did not pass quickly but it did not stop quickly. It rained hailstone for one hour इट रेन्ड एवरीवेयर द फील्ड हैड बिकम वाइट एज इफ सॉल्ट है फील्ड लुक एट दिंदी एक्सप्लेनेशन लिंजो ने क्लेम किया कि अब उसके साथ उसके क्रॉप्स के साथ रियली really बैड हो रहा है वेन देल स्टोन स्टार्टेड फॉलोड बाई द विंड तो उसको ये लग गया कि अब उसकी क्रॉप्स जो है डिस्ट्रॉयड हो जाएगी और उसने ये इच्छा जताई उसने ये विश किया कि शायद ये जल्दी से जल्दी ओवर हो जाए और बट जो हेल स्टोन था दैट हेल्ड ऑल वेयर फॉर एन आर एक घंटे के लिए वो हर जगह उसमें हेल स्टोन की रेन हुई और जो फील्ड था पूरा एकदम जो हेल स्टोन था बिकॉज हेल स्टोन हैज अ वाइट कलर और हेल स्टोन से पूरा फील्ड जो है भर गया नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स लेंचोज सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस नाउ एवरी लीव फ्रॉम ट्रीज दैट हैड फॉलन ऑन ग्राउंड क्योंकि जो हिलस्टोन होता है वो काफ़ी हैवी होता है और जब वो स्काई से अर्थ अर्थ पर आता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फोर्स होता है विद दैट फोर्स जो है वो जब ट्री पर गिरा तो एवरी लीव फ्रॉम ट्रीज हैड फॉलन ऑन ग्राउंड एंड ऑन ऑल द कॉर्न वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड ऑल द फ्लावर्स है ग्राउंड लेंचो वॉज फुल ऑफ सैडनेस लेंचो जो है एकदम बिल्कुल दुख से एकदम पीड़ित हो उठा वेन दै पास स्टूड इन दिडल ऑफ द फील्ड एंड सेट टू ही हाउस के बाहर गया एंड ही स्टूड इन द फील्ड एंड लुकड अराउंड और फिर वो जो है अपने फील्ड में जाके खड़ा हुआ और चारों तरफ देखा

जो लोकस्ट होता है ग्रॉस ऑपर कह सकते हैं जो इंसेक्ट का एक ग्रुप होता है दैट वुड नॉट हैव डैमेज दियर क्रॉप्स सो मच जितना कि हेल ने किया है तो हेल ने उनकी क्रॉप्स को क्या किया पूरी कंप्लीटली उनकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है और शायद अगर वहाँ पे लोकस्ट होता या इंसेक्ट होता तो वो इतना डिस्ट्रॉय ना करता शायद वो कुछ ना कुछ छोड़ देता लेकिन जो ये हेल है इट डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली

वेस्टेज उसने कहा कि जितना भी उन लोगों ने मेहनत किया वो सब क्या हुआ नष्ट हो गया कुछ भी नहीं बचा नो बडी कैन हेल्प देम नाउ अब उनकी कोई भी मदद करने वाला नहीं है एंड दे विल बी हंग्री दिस दैट इयर अब वो लोग क्या करेंगे उस, अब इस साल उनको जो है भूखे रहना होगा बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु ऑल हु लिवड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देर वॉज अ सिंगल होफ हेल्प फ्राम गॉड सॉलिटरी मीन्स क्या होता है कि अलोन या ओनली वन या लोनली तो एवरीबडी जितने भी फैमिली में मेम्बर्स थे सब कोई हु वर लिविंग इन दैट ओनली हाउस जो उस अकेले घर में रहते थे जो कि वैली में अकेला घर था बिकॉज देर वॉज नो नेबर वहाँ पर कोई नेबर नहीं थे तो मीन्स एवरीबडी लिविंग इन दैट ओनली हाउस ऑफ़ द वैली हैड वन एंड ओनली होप एंड दे थाट दैट गॉड वुड श्योरली हेल्प देम और उन लोगों को बस सिर्फ एक आशा थी तो भगवान से थी सभी यही सोच रहे थे घर के जितने भी मेम्बर्स थे वो यही सोच रहे थे कि भगवान उनकी मदद करेंगे डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर दैट्स वॉट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर नाउ लंचोज वाइफ टोल्ड लेंचो नॉट टू बी सो worried. ऑल the द क्रॉप completely destroyed, डिस्ट्रॉयड अब लंचो की वाइफ ने कहा कि जो है कोई भी जो है यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है हालांकि पूरी क्रॉप जो है डिस्ट्रॉयड हो चुकी है लेकिन उसने याद दिलाया कि रिमेंबर दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर कोई भी जो है भूख से नहीं मरता है एंड देन लंचो रिप्लाइड दैट पीपल से दैट नो बडी डाइज बिकॉज ऑफ हंगर और लंचो ने कहा कि हाँ सही है और ठीक है लोग भी कहते हैं पीपल से दैट्स वॉट दे सेव दे से क्या होता है पीपल दे इज यूज फॉर पीपल उसने कहा कि हां यही बात तो सब लोग कहते हैं कि नो वन डाइज बिकॉज ऑफ हंगर कि कोई भी भूख से मरता नहीं है ऑल दो द नाइट ऑल दो नाइट ऑल सॉरी ऑल थ्रू द नाइट लेंचो ओ थॉट ओनली ऑफ वन ऑफ इज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरी थिंग इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस कंसाइंस इट मीन्स माइंड और मॉरल सेंस सो दैट इज कंसाइंस सो थ्रू आउट दैट नाइट उस रात पूरी रात भर जो है लंचो थाट अबाउट द हेल्प ऑफ गॉड लंचो ने भगवान की मदद के लिए सोचा इट वॉज हीज ओनली होप वो उसकी सिर्फ एक आशा थी एंड ही हैड बिन टोल्ड दैट गॉड कैन सी एवरी थिंग गॉड्स आइज वॉच इज़ एवरीथिंग उसने ये बताया कि मतलब उसको ये लगता है कि भगवान की आँखें सब कुछ देखती है एंड गॉड कैन ईवन सी वॉट इज़ इन द माइंड एंड हार्ट ऑफ एवरी वन और गॉड के अंदर इतनी पावर है ही इज सुपर माइटी कि वो ये जान सकते हैं कि किसी के मन में किसी के हार्ट में क्या है ही नोज एवरी थिंग ही कैन ऑल्सो सी वॉट इज़ इन द माइंड एंड हार्ट ऑफ पीपल लेंचो वॉज एक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स ही बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल ऑक्स ऑफ अ मैन ये इस लाइन में क्या है मेटाफर है क्योंकि ऑक्स एक दूसरा एनिमल है और मैन जो है वो एक दूसरा ऑब्जेक्ट है दोनों को जो है इनडली जो है कंपेयर uh, किया गया है डायरेक्टली जो है उसको विदाउट यूजिंग लाइक एज का यूज़ करके उसको एक कंपेरिजन किया गया है सो ऑक्स ऑफ अ मैन हियर इज मेटाफर यहाँ पे मेटाफर है तो यहाँ पे uh, और डे ब्रेक मीन्स क्या होता है मॉर्निंग और प्लेस इन द मेल यहाँ पे क्या होगा सेंड बाय पोस्ट अब नाउ लेंचो वाज अ वेरी स्ट्रांग मैन uh, जो यहाँ पे यूज़ किया गया ऑक्स ऑफ अ मैन इट मीन्स ही वॉज वेरी लेबोरियस ही वॉज वेरी डिलीजेंट वो बहुत परिश्रमी बहुत ही स्ट्रांग आदमी था तो लेंचो वॉज अ वेरी स्ट्रांग मैन एंड ही यूज टू वर्क वेरी हार्ड इन हिज फील्ड्स और अपने फील्ड में बहुत मेहनत करता था ही न्यू हाउ टू राइट बट इवन दो ही नो दैट हाउ टू राइट लेकिन इसके बाद भी उसको मालूम था कि कैसे लिखा जाता है नेक्स्ट संडे मॉर्निंग ही स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर अब जो संडे मॉर्निंग होती है उस दिन वो अपना एक लेटर लिखना शुरू करता है एंड ही थॉट दैट ही वुड हिमसेल्फ कैरी दैट लेटर टू द टाउन एंड सेंड इट बाई पोस्ट और उसने ये सोचा कि इस लेटर को लिखने के बाद वो खुद जो है टाउन जाएगा और इसको जो है पोस्ट करेगा फॉर द गॉड गॉड के लिए वो उसे भेजेगा इट वॉज नथिंग लेस लेस देन देन लेटर टू गॉड गॉड ही रोट इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी दिस ईयर आई नीड अ हंड्रेड पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉम डॉट 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 सो पीसो इट मीन्स क्या होता है कि दैट दैट इज अ टाइप ऑफ करेंसी लाइक रूपी एंड सो मीन्स क्या होता है कि पुट सीड्स इन ग्राउंड टू ग्रो उस मतलब uh, सीड्स को जो है ग्राउंड uh, में मिक्स करना सो दैट क्रॉप्स कैन ग्रो देयर जिससे क्रॉप्स ग्रो करें एंड हेल स्टॉम मीन्स क्या होता है स्टॉम विद हेल स्टोन्स जो हेल स्टोन्स के साथ में एक स्टॉर्म आए दैट इज कॉल्ड हेल स्टॉर्म सो इट वॉज द लेटर टू गॉड ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड इन द लेटर ही रिक्वेस्टेड गॉड टू हेल्प हिम और उसने लेटर में लिखा कि गॉड उसकी मदद करें एंड हिज फैमिली अदरवाइज दे विल रिमेन हंगरी दैट ईयर नहीं तो क्या होगा वो उस साल जो है भूखे मरेंगे एंड ही टोल्ड दैट ही नीडेड वन हंड्रेड पीसोज टू पुट इन सीड्स इन हिज फील्ड कि फिर से वो रीग्रो कर सके अपनी क्रॉप्स को फिर से वो सीड्स को सो कर सके फील्ड में तो फॉर दैट ही नीड वन हंड्रेड पीसोज and uh, to live until the crop new crop uh, comes or because the hailstorm had destroyed everything so usnakaki he, he needed 100 rupees to sow his uh, seeds in the field and uh, uh, for the uh, grains uh, and for the grains he needed so that his family uh, might, not, uh, might not go hungry सो so, जिससे कि जो है जब तक नई क्रॉप्स आएगी तब तक वो जो है इतने हंड्रेड पीसोज में अपना वर्क कर लेगा ही रोट टू गॉड ऑन ऑन द एनवल पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेन टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इंटू द मेल बॉक्स ट्रबल्ड मीन्स क्या होता है वरीड मेल बॉक्स मीन्स क्या होता है लेटर बॉक्स सो ही पुट दैट लेटर इन टू एन एनवेलप अब जो उसने लेटर लिखा उसको एक एनवेलप में रखा एंड सील्ड इट और उसको फिर से उसने सील किया एंड ही रोड द एड्रेस वहाँ एड्रेस पर उसने क्या लिखा टू गॉड ऑन द एनवेल्प और एनवेलप पर लिखा टू गॉड ही वॉज स्टिल वरीड बट ही वेंट टू द टाउन हालाँकि बहुत उसको चिंता थी गॉड के पास पहुँचेगा कौन ले जाएगा उसको ये वरीज थी लेकिन फिर भी वो टाउन गया एंड ही पोस्टेड स्टैम्प पेस्टेड स्टैम्प और उसने स्टैम्प उस टिकट जो है पेस्ट किया ऑन द एनवल एंड ड्रॉप इट इन टू द मेल बॉक्स और लेटर उसने ड्रॉप कर दिया वन ऑफ द इंप्लाईज हुआ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्पड एट द पोस्ट ऑफिस वेन टू हिज बॉस लॉफिंग हार्टली एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस लॉफिंग हार्टली मीन क्या होता है कि लॉफिंग अलॉट सो वन ऑफ द इम्प्लॉयज हु इन द पोस्ट ऑफिस ही वॉज अ पोस्टमैन डेफिनेटली वो पोस्टमैन ही था उसने क्या किया ही इन द पोस्ट ऑफिस वो जो है अक्सर पोस्ट ऑफिस में कोई ना कोई काम करता था एंड ही वेन टू हीज बॉस वो अपने बॉस के पास गया कौन गया द पोस्ट मास्टर एंड ही वॉज लॉफिंग अलॉट और वो बहुत हसरा था एंड ही शोड द लेटर टू हिज बॉस और उसने जो है इस लेटर को जो है बॉस को दिखाया बिकॉज अब वो हंस क्यों रहा था क्योंकि उस लेटर के एनवलपे लिखा था द गॉड अब भगवान के पास कौन लेटर लेके जाएगा तो उसको वो ये एड्रेस देख करके उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी बिकॉज इन हीज करियर एज ए पोस्टमैन ही डिड नॉट नो द एड्रेस रिटर्न ऑन दैट एनवलप जो एड्रेस उस एनवेलप पर लिखा हुआ था उसने अपने करियर में ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा था कि गॉड नाम का कोई पर्सन हो और वहां पे कोई लेटर पोस्ट किया जाए तो ऐसा कोई एड्रेस उसने देखा नहीं था इसलिए उसको उस एड्रेस को देख करके बहुत ही ज्यादा उसको हंसी आ रही थी द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड वॉट फेथ आई विस आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ क्रॉसपॉन्डेंस विद गॉड तो एमिएबल मीन्स क्या होता है फ्रेंडली ब्रोकआउट लॉ ब्रोकआउट लॉफिंग मीन्स क्या होता है कि स्टार्टेड लॉफिंग टैप मीन्स क्या होता है कि टू स्ट्राइक लाइटली मतलब ऐसे धीरे से हल्का सा थपकी देना और क्रॉसपॉन्डेंस मीन्स क्या होता है कि सेंडिंग लेटर और कम्युनिकेशन सो द पोस्ट मास्टर वॉज फैट एंड फ्रेंडली पर्सन जो पोस्ट मास्टर था बहुत ही एमिएबल और बहुत ही फ्रेंडली uh, पर्सन था क्या होता है फ्रेंडली होता है बहुत ही मतलब तो पोस्ट मास्टर जो है फैट था मोटा था और बहुत ही फ्रेंडली पर्सन था ही ऑल्सो स्टार्टड लॉफिंग वेन ही सॉ दैट एड्रेस जब उसने भी एड्रेस देखा तो वो उसको भी हंसी आ गई बट इमीडिएटली ही बिकम सीरियस लेकिन कुछ ही देर बाद वो एकदम सीरियस हो गया एंड ही स्टार्टेड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क और फिर लेटर पर जो है थपकी देने लगा और ही वॉन्टेड दैट एट द फेथ ऑफ द पर्सन हु हैड रिटन दैट लेटर और उसको उस व्यक्ति के ऊपर उसको इतना ज़्यादा आश्चर्य हुआ जिसने उस लेटर को लिखा था उसके इस लेटर को देखकर उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ ही विजड ही ऑल्सो हैड सच फेथ और उसने कहा कि शायद उसके पास भी भगवान के लिए इतनी ज़्यादा फेथ होता इतना विश्वास होता शायद वो भी इतना भगवान पर विश्वास करता ही वॉज़ सरप्राइज दैट द मैन वॉज सेंडिंग अ लेटर टू गॉड और उसको ये सरप्राइज़ हो रहा था कि ही इज स्टार्टिंग अप अ क्रॉस्पॉन्डेंस विद गॉड कि उस व्यक्ति के अंदर कितना ज्यादा एक बिलीफ uh, uh, है कि वो गॉड से क्रॉस्पॉन्डेंस कर रहा है सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया आंसर द लेटर बट वेन ही ओपन इट इट वॉज इविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर केम अप विद एन आइडिया इट मीन्स क्या होता है थॉट ऑफ एन आइडिया इविडेंट मीन्स क्या होता है बी कैम क्लियर एंड गुडविल मींस क्या होता है कि फ्रेंडली और काइंड फीलिंग सो इन ऑर्डर टू कीप द फेथ ऑफ दैट पर्सन इन गॉड द पोस्ट मास्टर थाट ऑफ एन आइडिया पोस्ट मास्टर की एक so आइडिया आया एंड हीज ही वॉन्टेड टू राइट अ रिप्लाई टू ऑफ दैट लेटर वो उस लेटर का रिप्लाई लिखना चाहता था बट वेन ही रेड दैट लेटर जब उसने उस लेटर को पढ़ा एंड द थिंग्स बिकम क्लियर टू हिम जब चीज़ें उसको क्लियर हुई कि वॉट इज रिटर्न इन द लेटर देन ही गॉट समथिंग मतलब ही केम टू नो दैट इन एडिशन टू पेपर इंक एंड पेपर इंक एंड राइटिंग दैट नीड मोर काइंडनेस उसमें जो है और ज़्यादा दया करने की उससे ज़रूरत है मतलब उसमें खाली आंसर ही नहीं करना है खाली रिप्लाई नहीं करना है बल्कि उसे पेपर इंक से ज़्यादा जो जा है जाकर के कुछ और मदद करनी पड़ेगी बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन ही आस्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज इम्प्लाईज ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज ऑफ हिस्स वर ओबलाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी सो रेजोल्यूशन मीन्स क्या होता है डिसीजन स्टक टू मीन्स क्या होता है मेनटेन्ड और एडहेयर्ड और चैरिटी मीन्स क्या होता है डोनेशन और हेल्प ओब्लाइज्ड मीन्स क्या होता है एग्रीड तो बट ही मेनटेंड हिज डिसीजन जो उसने एक रेजोल्यूशन लिया था जो उसने एक डिसीजन लिया था ही मैंटेन दैट एंड ही आज मनी फ्रॉम हिज कलीग्स जो उसके को वर्कर्स थे उसने उनसे पैसे मांगे एंड ही ऑल्सो गेव अ पोर्सन ऑफ हिज सैलरी और ही गेव द पार्ट ऑफ हिज सैलरी उसने अपने भी सैलरी का एक हिस्सा दिया मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स एग्रीड उसके बहुत सारे दोस्त ने एग्री किया टू टू डोनेट द मनी कि वो लोग मनी डोनेट करेंगे एंड टू इन ऑर्डर टू हेल्प द फार्मर और लेंचो वो लेंचो या फार्मर को मदद करने के लिए वो सभी जो है उसको मदद करेंगे इट वॉज पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द हंड्रेड पीसोज सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ ही पुट द मनी इन एन एनवल्प एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ क्लियर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड गेदर मीन्स क्या होता है कलेक्ट कंटेनिंग मींस क्या होता है हैविंग तो इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर द पोस्ट मास्टर टू कलेक्ट हंड्रेड पीसोज अभी पोस्ट मास्टर के लिए इतना पॉसिबल नहीं था कि वो हंड्रेड पीसोज कलेक्ट कर सके ही कुड कलेक्ट स्लाइटली मोर देन हाफ ऑफ अंड्रेड रुपीज़ हंड्रेड पीसोज हंड्रेड पीसोज से थोड़ा सा ज़्यादा वो कलेक्ट कर सका एंड ही पुट दैट अमाउंट ऑफ मनी इन एंड एनविलप उसने जो भी पैसे कलेक्ट किए उसको एक एनविलप में रख दिया एंड ही रोट द एड्रेस ऑफ लेंचो उसने लेंचो का एड्रेस लिखा उस पे ऑन द एनवेलप एंड ही आल्सो पुट अ लेटर इन द एनवेलप उसने एक लेटर को एनवेलप के अंदर रख दिया एंड दिस लेटर हैड वन सिंगल वर्ड एंड दैट वाज द सिग्नेचर ऑफ गॉड वहां पे गॉड का सिग्नेचर हुआ दैट वॉज द सिंगल सिग्नेचर ऑफ सेंडर वो एक सेंडर का सिंगल सिग्नेचर था वहां पर क्या लिखा था गॉड दिस वर्ड वॉज रिटर्न एज अ सिग्नेचर ये वर्ड जो है जो गॉड लिखा हुआ था इट वॉज रिटन एज अ सिग्नेचर द फॉलोइंग संडेमर देन यूजल टू आस्क इफ देर वॉज अ लेटर फॉर हिम इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हू हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हू हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस बिट मीन्स क्या होता है स्लाइटली या स्मॉल कंटेंटमेंट मीन्स होता है सेटिस्फैक्शन एंड डीड मीन्स क्या होता है वर्क सो नेक्स्ट संडे लंचो केम स्लाइटली अर्ली टू दोस्ट ऑफिस अब मेनी अ टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों जो है नेक्स्ट संडे जो है लेंचो थोड़ा सा जल्दी आया तो ही वॉज वेटिंग फॉर द रिप्लाई वो गॉड से उसको रिप्लाई मिलने वाला था ही वॉज गोइंग टू गेट द मनी ऑल्सो तो उसको एक गॉड में काफ़ी ज़्यादा फेथ थी और उसको ये एकदम बिल्कुल वो श्योर था कि उसको uh, उसके लेटर का रिस्पॉन्स उसे जरूर मिलेगा तो नेक्स्ट संडे क्या हुआ कि आफ्टर अ वीक वो जो है लंचो केम स्लाइटली अर्ली वो थोड़ा सा जो है पोस्ट ऑफिस जो है थोड़ा सा जल्दी जो है स्लाइटली या बिट अर्ली जो है वो पहुंचा वहां पे पोस्ट ऑफिस एंड ही आस्ड इफ देयर वॉज एनी लेटर फॉर हिम और उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई लेटर है जो पोस्टमैन था जिसने उसके लेटर को रिसीव किया था और जाकर के पोस्ट मास्टर को दिखाया था वही पोस्टमैन वहां पे खड़ा हुआ था एंड ही हिमसेल्फ सेल्फ गेव दैट लेटर और उसने उस लेटर को उसको दिया द पोस्ट मास्टर वॉज लुकिंग एट लेंचो फ्राम हिज ऑफिस और जो पोस्ट मास्टर था ही वॉज इन हीज ऑफिस एंड ही वॉज लुकिंग एट लेंचो और लंचो को वो दूर से ही देख रहा था कि लंचो का जो है क्या रिएक्शन होता है एंड द पोस्ट मास्टर हैड द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्सन हु हैड डन सम गुड वर्क पोस्ट मास्टर को अपने इस काम पर करके जो है उसे uh, बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज ही वॉज फीलिंग क्वाइट कंटेंटमेंट वो काफ़ी सेटिस्फाइड फील कर रहा था टू हेल्प टू हेल्प लेंचो लेंचो को हेल्प करके उससे बहुत अच्छा लग रहा था तो वो जो है बिकॉज ही हैड डन समिंग गुड वर्क क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था एंड ही वॉज लुकिंग एट लेंचो कि उसे जो है कैसा फील होता है वो कैसा उसका क्या रिएक्शन होता है लेंचो सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सींग दनी सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बी केम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉट कुड हीव डिनाइड लेंचो वट ही हैड रिक्वेस्टेड सो स्लाइटेस्ट मीन्स क्या होता है मिनिमम लीस्ट जिसको हम कह सकते हैं डिनाइड मीन्स क्या होता है रिफ्यूज अब लेंचो जब उसने उसको लेटर मिला एंड वेन ही काउंटेड वेन ही वॉज काउंटिंग द मनी ही वॉज नॉट सरप्राइज एट ऑल जैसे कुछ लोगों को क्या होता है कि गॉड uh, पर अगर बिलीव नहीं होता है तो वो क्या होंगे सरप्राइज होंगे अब पोस्ट मास्टर जो है लेंचो को देख रहा था कि उसका रिएक्शन क्या होता है तो उसने देखा कि लेंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ जब उसने पैसे को देखा उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ बल्कि वो क्या हुआ कि ही हैड अ कॉन्फिडेंस बिकॉज ही हैड अ कॉन्फिडेंस इन गॉड बट ही बिकेम एंग्री आफ्टर काउंटिंग द मनी लेकिन वो क्या हुआ कुछ समय बाद जब वैन ही काउंटेड द मनी ही बिकेम एंग्री वो बहुत गुस्से में आ गया He thought that God cannot make any mistake. उसने ये सोचा कि God तो ऐसी mistake कर नहीं सकते हैं क्योंकि God को तो हर चीज़ मालूम है और लंचो ने हंड्रेड पीसोज मांगा है तो God उसे हंड्रेड पीसोज जरूर देंगे तो उसने सोचा कि ये mistake God तो नहीं कर सकते हैं And God जो है He cannot refuse what Lencho had requested also। और God refuse भी नहीं कर सकते हैं कि जो है जो भी Lencho ने उससे demand किया है God से वो उसको refuse भी नहीं करेंगे Immediately Lencho went up to window. टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिस्सो बाई द एफर्ट हीज सोलिंग में बैंड और फोल्ड इमिडिएटली लेंचो ने क्या किया ही वेन टू द टिकेट विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस जहां पे टिकेट और स्टैंप मिलते हैं वहां पर वो गया एंड ही आस्ड फॉर अ पेपर एंड पेन और उसने वहां पर एक पेपर और पेन को मांगा देर वॉज अ टेबल इन द पोस्ट ऑफिस एक टेबल भी रखी हुई थी पोस्ट ऑफिस में वेयर एनी बडी कुछ भी जाकर के लिख सकता था वेन टू दैट टेबल एंड स्टार्टेड राइटिंग लॉर्ड ऑफ एफर्ट बहुत कोशिश करके लिख रहा था एंड इन राइटिंग हिज थॉट्स वेन ही वॉज राइटिंग दॉट ऑन दैट पेपर हिज आई ब्रोज हैड फोल्ड बिकॉज ऑफ द एफर्ट तो अपने आईब्रोज को फोल्ड कर ले रहा था सरिंग कर ले रहा था और जैसे लग रहा था कि बहुत ही एफर्ट के साथ में बहुत ही सोच समझ करके वो लिख रहा है वेन ही फिनिश्ड ही वेन टू द विंडो टू बाय अ स्टैम विच ही लिग्ड एंड देन अफिक्सड टू द एनवल विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेन टू ओपन इट अब लिग्ड इट मीन्स क्या होता है He touched with tongue that is called licked, licked means when when something uh, when you touched uh, when you roll your tongue on that that is called lick and affixed it means pasted or fixed. Blow it means ki sudden, uh, sudden stroke by something that is called blow. So when Lencho had completed writing letter he went to the window to buy a stamp. अब जब उसने अपना लेटर लिख करके कंप्लीट कर लिया तो वो गया विंडो के पास में टू अ स्टैंप एक स्टैंप खरीदने के लिए वो विंडो पे गया एंड ही लिक्ड द स्टैंप उसने स्टैम्प को लिक किया देन ही पुट द स्टैंप ऑन द एनवेलप और फिर उसने पे उसको जो है स्टैंप को लगा दिया एंड अप्लाइड ब्लोज ऑफ हिस्स फेस टू पेस्ट इट और उसको लिक करने के बाद उसने क्या किया उस स्टैंप को एनवेलप पे रखा और एक ब्लो के साथ में उसको पेस्ट कर दिया एक मतलब ब्लो मींस क्या होता है घूसे के साथ में जैसे टिकट को उसने जब लिक किया सिलाई वो उसमें लगाया और जब उसने एनवलप पे उसको पेस्ट किया तो उसने उसको फिस्ट से ब्लो किया हिट किया जिससे वो पेस्ट हो जाए ही पुट द एनवेल्प इन टू द लेटर बॉक्स और फिर उसने एनवलप को क्या किया लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया उसको पुट कर दिया एंड इमिडिएटली द पोस्ट मास्टर टुक द लेटर आउट एंड ओपन इट अब पोस्ट मास्टर वहाँ पर आ, वो देख रहा था लेंचो की कि लेंचो कुछ लिख रहा है तो अब पोस्टमास्टर खुद ही जो है पहले तो पोस्टमैन जा कर के लेटर को देता था लेकिन पोस्टमास्टर उस दिन बहुत ही ज़्यादा वो इम्पेसेंट हो रहा था कि लेंचो ने दोबारा दुबार, दोबारा लेटर में क्या लिखा है इसलिए वो खुद ही गया आ, मेल बॉक्स के पास लेटर बॉक्स के पास और खुद ही जा करके उसने ओपन करके उसे देखा कि उसने उस लेटर में क्या लिखा है इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्ड फॉर ओनली सेवेंटी पीसोज रीज मी सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस इंप्लाइज आर अ बंस ऑफ क्रुक्स लेंचो रेस्ट मीन्स क्या होता है कि रिमेनिंग या बैलेंस बचा हुआ और क्रुक्स मींस क्या होता है डिसऑनेस्ट पर्सन तो अब लेटर में लेंचो ने क्या लिखा ही रोट दैट की गॉड फ्रॉम द मनी आई हैड आस्ड जो मैंने आपसे पैसे मांगे थे आई हैव रिसिव्ड ओनली सेवेंटी पीसोज मुझे जो है खाली सेवेंटी पीसोज ही मिले प्लीज़ सेंड मी द रिमेनिंग मनी और जो बचा हुआ पैसा आप मुझे उसको भेज दीजिए बिकॉज आई नीड इट वेरी मच क्योंकि उसे उस पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लेकिन उसने उसके बाद रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ डू नॉट सेंड थ्रू द पोस्ट आप प्लीज इस बार पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा बिकॉज जो पीपल हैं पोस्ट ऑफिस के दे आर वेरी डिसऑनेस्ट क्योंकि यहां के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा डिसऑनेस्ट हैं बहुत ही बेईमान हैं। द लेटर वॉज साइंड बाई लेंचो और फिर लास्ट में उसने अपने लेटर पे साइन कर दिया था तो दिस वे लेंचो ने जो है लिखा अब लेंचो ने ही हिम हंड्रेड पीसोज बट ही रिसीव्ड ओनली सेवेंटी पीसोज through the letter by mail. he is sure that god could not make such a mistake and he doubts that post office employees have stolen 30 pesos from the amount of hundred. so he called them a bunch of crooks. but actually, uh, the postmaster or the postal employees, they were kind fellow to help him by sending him the money. but lencho had a firm faith in god. He believed that uh, God had only sent these all amount and he was suspecting over the postal implies. This way, we have come to an end of the story. I hope you understood well and you had noted down all the difficult words meaning. And if you have any confusion, you may uh, WhatsApp me, okay? And you may ask your doubt there. Thank you for watching this video. See you in the next video.